भोजपुरी सिनेमा भी लगातार सफलताओं की ऊंचाइयों पर बढ़ता ही जा रहा है। तभी तो आज भोजपुरी फिल्में न केवल बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में देखी जाती हैं, बल्कि भोजपुरी फिल्मों को दिल्ली, मुंबई जैसे राज्यों में भी रिलीज किया जाता है। और अब भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव का एक बड़ा बयान सामने आ चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव मानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री को अब मॉडर्न बनाने की जरूरत है। वो कहते हैं कि अब हम 20 साल पहले का परिवेश नहीं दिखा सकते। उन्होंने कहा कि गांव बदल रहे हैं, अब वो भी शहर हो रहे हैं, लोगों की मानसिकता बदलती जा रही है, तो फिर सिनेमा में वो क्यों नजर नहीं आ रहा। खेसारी के मुताबिक इसीलिए भोजपुरी इंडस्ट्री थोड़ी पीछे हो रही है, अब इसे भी मॉडर्न बनाने चाहते हैं। बता दें आपको यहाँ पर कि लॉकडाउन में पहले खेसारी लाल जिस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे उसका नाम चिंटुआ के नानी था। लॉकडाउन की वजह से इस फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया। इसके निर्माता संजय भूषण पटियाला और डायरेक्टर लाल बाबू आपको बताना चाहेंगे, हाल ही में ऑनलाइन एक इंटरव्यू खेसारी के साथ किया गया, जिसमें खेसारी लाल ने ये साफ कह दिया कि इसके लिए लॉकडाउन के बाद वो खुद पहला कदम उठाने वाले हैं। खेसारी ने कहा कि अब जमाना बदल गया है, हम भोजपुरी समाज को अब भी 20 साल पीछे मानकर फिल्में बना रहे हैं, इसीलिए हमें वो दर्शक नहीं मिल पा रहे जो सही में मिलने चाहिए। मैं लॉकडाउन के बाद खुद भी बदलने जा रहा हूं और इस इंडस्ट्री को भी। अब देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि किस तरह से लॉकडाउन के बाद खेसारी लाल यादव अपना ये पहला कदम उठाते हैं, किस तरह से वो भोजपुरी इंडस्ट्री को बदलने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टुनाइट भोजपुरिया से आर्थिक रिपोर्ट। नेक्स्ट टुनाइट न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।